हेलो एंड वेलकम टू द गुरुकुल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपी की एक वैकेंसी आई है यूपीएससी की, जो बहुत काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा है और मैंने ये वीडियो हिंदी में करने के लिए डिसाइड किया क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं वो इसे अप्लाई करेंगे और यूपी के बच्चे तो अप्लाई करेंगे ही, बट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं डिटेल में इस वैकेंसी को एक बार आपको दिखा दूं, तो पहले जो ये आप जान लो कि ये जो वैकेंसी है, तो वैकेंसी आपकी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो जो वैकेंसी है यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है। और जो विज्ञापन संख्या है वो देखे रखी है यहाँ पे, ये विज्ञापन संख्या है। और चलिए धीरे धीरे जान लेते हैं कि ये जो स्टार्ट हुआ है, इसकी स्टार्टिंग की डेट है 13/12, यानी कि 13/12 से स्टार्ट हुआ है इसको फिल करने का डेट। और खंड शिक्षा अधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर की वैकेंसी है 2019 की, और आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन देने की जो डेट है ये है, और उसके बाद लास्ट डेट जो है ये आपको ध्यान में रखना है, ये 10 जनवरी है। ऑनलाइन से आपको, मीडियम से आपको जो है जो एप्लीकेशन करना है वो ऑनलाइन मीडियम से, लास्ट डेट जो है 13/1/2020 है, और जो एग्जामिनेशन फी देने की जो लास्ट फीस है डेट है वो 10 जनवरी है। और कोई भी बच्चे जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं पूरे इंडिया से। तो हम लोग मेन मेन चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, आप पूरा डिटेल इसे पढ़ लीजिएगा आराम से। मैं यहाँ पर आपको जो मेन बेसिक डिटेल है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो ये जो वेबसाइट है जहाँ से आपको जाके ये अप्लाई करना है, ये वाली जो वेबसाइट है इसे आप देख लीजिए, और इसे यहीं पे जाके आपको अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट होगा, फिर अप्लाई का ऑप्शन आएगा जहाँ जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करने के लिए अब मैं बता दूँ, सबसे पहला जो होगा अप्लाई का लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन क्लिक, यहाँ पर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको एक बार अपनी जो जितनी भी चीज़ें हैं उसे एडिट करनी है कि नहीं, आप उसको एडिट बटन पर क्लिक कर लें अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं। अगर नहीं एडिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट पर क्लिक करें, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आप रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको दिखेगी जिसे आपको सेव कर लेना है, और उस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप की प्रिंट आपको मिल जाएगी। आगे उसके बाद आएगा नेक्स्ट पेमेंट का ऑप्शन, तो पेमेंट कर देना है आपको। जो फीस कितनी, मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ कितनी फीस वगैरह है इसकी, वो भी आपको बताऊंगी। तो फीस पे करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, अपने स्टेट बैंक से कर सकते हैं, मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम से कर सकते हैं, बैंकिंग है, कार्ड है, मतलब बहुत सारे पेमेंट मोड है आपको पेमेंट करने के लिए। और पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगी, और जैसे ही आपको मिलेगी आप उसका भी एक प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट नहीं लेंगे तो आप सेव कर लेंगे उसे। फिर आपको प्रोसीड करना है फाइनल सबमिशन में। फिर फाइनल सबमिशन में जाने के बाद आपको वहाँ पर क्या करना है कि आपने जो फोटोज़ हैं, आपको फोटो, आपकी जो सिग्नेचर है, ये दोनों चीज़ आपको स्कैन करके पहले से रेडी रखनी है, और आपको इसको अपलोड यहाँ पर क्या करना है, तो आपको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, और आवेदन का जो ऑनलाइन सिस्टम जो है करना है। अब चलिए मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि आप क्या कितनी कितनी फीस है आपको पेमेंट करने के लिए, कितनी कितनी फीस लगेगी बाकी बच्चों को। तो यहाँ पे सबसे जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको जो लगेगा, यहाँ पर जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको लगेगा जो फीस है 100 रुपये की है, और जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग की जो फीस है वो 25 रुपीज़, तो टोटल आपको 125 रुपीज़ लगेगा। और इसके अलावा जो SC ST है कैंडिडेट उनको 40 रुपीज़, और 25 रुपीज़ जो ट्रांजेक्शन चार्ज है तो 65 रुपीज़ होगा। और जो दिव्यांग श्रेणी में है, जो बच्चे हैंडीकैप श्रेणी में है, उन्हें सिर्फ 25 रुपीज़ लगेगा जो बैंक का चार्ज है, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 65 रुपीज़ का है। और यहाँ पर जो है फ्रीडम फाइटर्स के लिए सेपरेट है, उनका डिफरेंट रहेगा अपने अपने श्रेणी के अनुसार। अब जो बच्चे, ऐसे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे वहाँ पर यूपी से नहीं है वो भी आप यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करने के लिए जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं यहाँ पर। और देखिए टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो 309 है, 309 है, और ये लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में घट और बढ़ भी सकती है, तो ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। और ग्रेड पे बहुत अच्छा है, 4800 है, और ये जो रहेगा लेवल रहेगा। और आगे देखिए
आरक्षण के लिए, जो रिजर्वेशन के लिए है, जो जो रिजर्वेशन का प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, वो आप इसको पढ़ लीजिए डिटेल में। आगे देख लेते हैं, और हमें आपको मोटा मोटी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और आयु सीमा की बात कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एज लिमिट जो है ना, आपको कितनी होनी चाहिए, आपकी 1 जुलाई 2019 को 21 वर्ष आयु पूरी हो जानी चाहिए, और 40 वर्ष जो है मैक्सिमम एज है, तो 40 वर्ष तक है, इसमें एज काफ़ी है, एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। और अगर कोई दिव्यांगजन है तो उनके लिए 55 ईयर्स है। जो इसके अलावा जो है, जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है, जो यूपी कैंडिडेट्स हैं या फिर कुछ एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है एज, तो आप देख लेंगे क्या क्या रिलैक्सेशन है। मैं आगे चलती हूँ, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में अब होगा क्या क्या, चलो मेन चीज़ जान लेते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से आपका होगा। तो आपको जो होगा मेन एग्ज़ाम, जो प्राइमरी एग्ज़ाम होगा, तो पहले प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले जो बच्चे होंगे वही सिर्फ नेक्स्ट मेन एग्जाम में जाएंगे, यानी लिखित परीक्षा में जाएंगे। तो पहला वाला आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन एग्जाम होगा, जिसमें कि मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे, क्या करेगा, तो ठीक है। तो पहला है कि जो बच्चे रिटर्न एग्जामिनेशन में के लिए मेन में जाना चाहते हैं, उनको प्री निकालना पड़ेगा, प्री के बाद मेन होगा, मतलब दो स्टेप में इसका एग्जामिनेशन होगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में इसके लिए अप्लाई करना है। और आपके जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास। तो अगर आपके पास ये दो डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी ये है, और मैक्सिमम जो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसमें और क्या क्या है। तो काफ़ी लंबा 24 पेजेस का है। हाँ, तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या क्या रखने की ज़रूरत है, तो आपको सबसे पहले अपना फ़ोटो सिग्नेचर ये स्कैन किया हुआ आपको रखना चाहिए, और जो संबंधित जो आपके पास जो आपके मार्क्स कार्ड वगैरह हैं उसके आप परसेंटेज वगैरह निकाल के पहले से रख लीजिए, जिससे कि आप फटाफट से एंट्री कर पाएँ, जल्दी से आप एंटर कर लें। और देखिए इस तरह से आपको रहेगा कैंडिडेट सेगमेंट, इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन, फिर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज वगैरह, थर्ड स्टेज रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस दिखेगा, फिर ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपको जब टाइम टू टाइम जब इसके एडमिट कार्ड आएंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा आपको, और ये सारी चीज़ें आएगी। आगे जो लास्ट डेट है, इसके एप्लीकेशन करने के लिए जो है वो आपको जनवरी की है, 10 जनवरी की, तो उसके पहले आप कर लें, जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा होगा। बाकी ये इंस्ट्रक्शन है इमेजेस के लिए, और आप ये देख सकते हैं किन किन जगह पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो एग्ज़ाम सेंटर है वो ये सारे जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह, सारे एग्जामिनेशन सेंटर जो है यूपी के अंदर ही हैं, तो यूपी के अंदर ही एग्जामिनेशन होगा आपके आपका। और आगे इस तरह से सर्टिफिकेट देना है वो हैंडीकैप्स के लिए। चलिए अब देख लेते हैं सिलेबस को। तो सिलेबस है, तो पहला आपका जो होगा 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन फर्स्ट वाला होगा, जिसमें कि आपको सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज के 120 प्रश्न रहेंगे। और 120 प्रश्न रहेंगे, इसमें क्या क्या रहेगा, तो पहला सेक्शन रहेगा आपका जनरल साइंस का, फिर भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या पारिस्थितिक एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, और अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसके अलावा आपको सामान्य बौद्धिक यानी कि रीजनिंग रहेगा, और यूपी का तो रहेगा ही क्योंकि यूपी का एग्जामिनेशन है, तो यूपी का आपको जीके पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको हाई स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेगी आपके किसके लिए, किस लेवल पे, तो प्री में। और मेंस के एग्ज़ाम जो होंगे तो वहाँ पे क्या, ये इसकी बात बाद में करेंगे क्या क्या होगा। 3-3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 200 अंकों का, और कुल परीक्षा जो होगी 400 अंकों की, ये वाली जो है ऊपर वाली जो है ना वो 300 की होगी और ये 400 की होगी। और इसमें क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो खंड अ और रहेगा, और खंड ब रहेगा, खंड स रहेगा, इस तरह से रहेंगे, और उसमें तो शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और वेरी लॉन्ग टाइप आंसर लिखने का रहेगा।
इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो 3 घंटे वाला आपका एग्जामिनेशन है, तो भारत का इतिहास सामान्य अध्ययन में क्या क्या आपका सिलेबस, ये पूरा देके रखा है। आप अच्छे से सिलेबस को देख लीजिए। हिंदी रहेगी, 100 नंबर की हिंदी रहेगी, ये देखना है आपको 100 नंबर की हिंदी। और ये देखिए 100 नंबर की हिंदी है, 200 नंबर का ये है सामान्य अध्ययन है। आगे उसमें 100 नंबर का आपका हिंदी निबंध रहेगा, ठीक है। और तो ये था आपका पूरा डिटेल। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो और डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। तो 300 प्लस पोस्ट की संख्या है, तो आप सबको अप्लाई करना चाहिए। और यूपी ही नहीं, हर जगह के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है, तो जनरल के लिए बता रही हूँ, अलग अलग के लिए और डिफरेंट है। बाकी और मेरे ख्याल से कोई इन्फॉर्मेशन छूट नहीं रहा, कुछ छूट रहा है आप कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।